दोस्तों, होंडा ने इंडियन मार्केट में एक्टिवा 125 BS6 स्कूटर लॉन्च कर दिया है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार BS6 नॉर्म्स 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा, लेकिन होंडा ने फेस्टिवल सीजन को देखते हुए एक्टिवा 125 BS6 को पहले ही लॉन्च कर दिया है। तो एक्टिवा 125 BS6 में क्या कुछ नया है, इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं आपका होस्ट कैसर और आप देख रहे हैं ऑटो वर्ल्ड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं i3s टेक्नोलॉजी की। इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले हीरो कंपनी ने यूज़ किया था। होंडा में इस टेक्नोलॉजी को पहली बार यूज़ किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से आपका पोल्यूशन कम होगा और फ्यूल की बचत होगी। जैसे ही आप स्कूटर को रोकते हैं तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और लीवर और एक्सीलेटर के थ्रू दोबारा स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है इसमें FI सिस्टम, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। कार्बोरेटर की जगह इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का यूज़ किया गया है। होंडा का कहना है इससे इंजन स्मूथ होगा और 13% तक माइलेज बेहतर होगा। तीसरा ऑप्शन है इसमें साइलेंट स्टार्ट मोड। नॉर्मली स्कूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक साउंड रहती है, जो कि इसमें ये साउंड आपको देखने को नहीं मिलेगी। चौथा ऑप्शन है इसमें साइड स्टैंड। साइड स्टैंड जब तक आप ऊपर नहीं करोगे, स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, तो सेफ्टी के लिहाज से ये फीचर बहुत ही अच्छा है। बात अगर हम करें एनालॉग डिजिटल मीटर की, डिजिटल मीटर का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपका साइड स्टैंड इंडिकेटर शो होगा, फ्यूल लेवल इंडिकेटर शो होगा। इसके अलावा इसमें आपको ग्लो बॉक्स दिया जाएगा और फ्यूल फिलिंग कैप जो है इसमें एक्सटर्नल दिया गया है। इसके अलावा सीट को आप स्विच के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, एक्टिवा 125 BS6 में 4 कलर अवेलेबल हैं और 3 वेरिएंट। सबसे पहला इसमें आपको मिलेगा स्टैंडर्ड, अलॉय और डिलेक्स। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर फीचर्स थे जो इस वीडियो में बताने की कोशिश की गई है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।